हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आपका एक न्यू नोटिस है वो एमसीसी के साइट पे जारी किया गया, जो कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इस बार नीट देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है। अभी तक जो आपके एनटीए के द्वारा या एमसीसी के द्वारा ऐसा कोई नोटिस है वो ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन है वो शेयर नहीं किया गया था, लेकिन पहली बार आपका नीट के एग्जाम्स में ऐसा काउंसलिंग प्रोसेस किया गया है जो कि आपको जेईई मेन में भी देखने को मिल जाएगा, बट इस बार आपको नीट में भी देखने को मिलेगा। यहाँ क्या आपका नोटिस जारी किया, क्या उसका बेनिफिट होने वाला है, कौन कौन स्टूडेंट्स हैं जिनको इस चीज का बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, वो डिटेल इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो या वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितनी भी ऑफिशियल अपडेट हो, आपके डाउट्स हो, आपकी प्रॉब्लम्स हो, वो हम जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकें। नीचे टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ, वहां भी आप ज्वाइन हो सकते हो। तो यहां पे ये नोटिस जो जारी हुआ है वो आज की डेट का ये नोटिस है। यहां पे आप देख सकते हो ऑफिशियल नोटिस ये जारी किया गया है एमसीसी की साइट पे। टोटली हम इस जो ये आपका नोटिस आया है इसको हम एक वे में लोकल लैंग्वेज में आपको समझाना चाहेंगे। यहाँ पे कंडीशंस ये हैं कि जो स्टूडेंट्स काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, मान सकते हो कि जिनके दो तरह के स्टूडेंट होते हैं, जिनके एक स्टूडेंट वो जिनका हायर रैंक होता है, ठीक है, जिनका अच्छा रैंक होता है, एक स्टूडेंट्स वो जिनका कम रैंक होता है, ठीक है। तो कम रैंक वाला स्टूडेंट्स को यहाँ पे बेनिफिट ये होगा, देखो जो जो ज़्यादा स्कोर करेगा उसको तो कहीं भी सीट मिल जाएगा, जैसे उसने अपने स्टेट में सीट ले लिया, ठीक है, उसके बाद में उसने क्या किया, जैसे उसने एडमिशन ले लिया अपने स्टेट में, उसके बाद में जैसे आपको मोपअप राउंड में आपको पता है कि फ्रेश चॉइस फिलिंग होती है, ठीक है, तो वहाँ ऑल इंडिया कोटा से उसको उसने सीट ले लिया, तो उसने दो जगह पे आपने सीट ले लिया, मतलब कि एक सीट वो फिर वो स्टेट वाला सीट छोड़ देगा, उसके बाद वो ऑल इंडिया सीट ले लेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, पहले क्या होता था कि जो छुटी हुई सीटें हैं, ठीक है, जो स्टेट सीटें होती हैं जिसने पहले स्टूडेंट ने एडमिशन लेने के बाद में छोड़ दिया, उन पे सीटों के लिए काउंसलिंग प्रोसेस नहीं होता था। लेकिन इस बार जो क्या हो रहा है, इस बार ये हो रहा है कि जो स्टूडेंट जिनके कम रैंक है, जिसने मान लीजिए कि सेकंड राउंड में किसी स्टूडेंट ने जो है जिनके हायर रैंक है उन्होंने कहीं भी अपने स्टेट में एडमिशन ले लिया, तो वो आपका मोपअप राउंड काउंसलिंग में प्रोसेस में आप पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो उससे क्या हो जाएगा, जो उसकी जो उसने सीट, ठीक है, बुक की है, उसके बाद में जो भी पार्टी काउंसलिंग मोपअप राउंड में जो काउंसलिंग में स्टूडेंट जाएंगे उनकी संख्या कम हो जाएगी, क्योंकि जिनको सीट पहले मिल चुका है वो काउंसलिंग प्रोसेस में आगे काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। जो न्यू स्टूडेंट हैं जिनको सीट नहीं मिल पाई वही स्टूडेंट है वो काउंसलिंग मोपअप राउंड में या अनदर जो राउंड होंगे उनमें पार्टिसिपेट करेंगे और उन्हें सीट मिल जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा, इस नोटिस का मतलब यही है कि जिनको सीट मिल चुका है वो आपका नेक्स्ट राउंड के काउंसलिंग प्रोसेस में नहीं जा पाएगा, ठीक है, और जिनको सीट नहीं मिल पाया, जैसे हम बात करें फर्स्ट सेकंड राउंड में, तो वो डायरेक्ट आपको मोपअप राउंड में जो है काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट लेकर जो करके वो सीट है, वो एमबीबीएस सीट है, उसको मिलने का चांस होगा जो जिनका कम स्कोर होगा। तो यहाँ ये नोटिस है वो इसमें समझाया गया है कि जिनको सीट पहले मिल जाता है वो आगे की काउंसलिंग में प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, और जिनको सीट नहीं मिला वो आगे की काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हो जो जिनका लो मार्क्स है, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस है इस बार जो है आपके रूल्स काउंसलिंग में, ये रूल्स एंड रेगुलर्स एमसीसी के द्वारा करवाया गया, एक सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया जो आपको बहुत सा बेनिफिट देने वाला है। तो आई होप ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि किसी स्टूडेंट्स को कोई डाउट हो और ये ऐप आपको कैसा लगा, ये सॉफ्टवेयर आपको लिए क्या बेनिफिट दे रहा है, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू डियर्स, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।